हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। क्या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसको जानने से पहले पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसको जरा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पिछली क्लास में हमने दे ब्रोगली सिद्धांत हमने पढ़ा था और उन्होंने एक इक्वेशन बताई थी कि जो पी है, जो संवेग है, वो एच अपॉन लेमडा होगा, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा दे ब्रोगली ने कहा। और इस इक्वेशन को हम यहाँ पर फिर से यूज करने वाले हैं। सुनना ध्यान से चीजों को, बड़ा मजा आएगा आपको। पढ़िए तो सही, ध्यान दीजिए वीडियो पे क्या बताया जा रहा है, आपको काफी इंटरेस्ट आएगा आज आपको। पर थोड़ा सा फोकस तो करना पड़ेगा, बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसा दे ब्रोगली ने कहा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने बताया कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की परमाणु में उसकी स्थिति और उसके संवेग को एक साथ हम करेक्टली मेजर नहीं कर पाए, यानी कि स्थिति को अगर हम स्थिति और संवेग को एक साथ करेक्टली मेजर करना चाहें किसी भी इलेक्ट्रॉन का परमाणु में, तो हम एक साथ मेजर नहीं कर पाएंगे, उनमें कुछ अनिश्चितताएं आएंगी। जैसे कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की परमाणु में स्थिति को करेक्टली मेजर करते हैं तो उसके संवेग में कुछ परिवर्तन आएगा, यानी कि संवेग जो है वो करेक्ट निकल के नहीं आएगा, उसमें कुछ अनिश्चितता आएगी। और अगर हम संवेग को करेक्टली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आएगी, यानी कि स्थिति को करेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा बथेरा फैल गया, रायता फैला हुआ काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि स्थिति को और संवेग को हम एक साथ मेजर नहीं कर पा रहे हैं। जब दोनों को एक साथ मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक की स्थिति में, एक की जो पोजीशन या फिर मोमेंटम है, उसमें अनिश्चितता देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हुआ उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा बता के उन्होंने फाइनली कुछ कैलकुलेशन करके, जो कि हमारे काम की नहीं है, अपने को सिर्फ एक फॉर्मूला जो है वो याद करना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो सारी करने के बाद इन्होंने फाइनली एक फॉर्मूला डिराइव किया, वो है डेल एक्स इनटू डेल पी इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। डेल एक्स क्या है, यहाँ पे स्थिति अनिश्चितता, किसमें, स्थिति में, ठीक है, स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल पी क्या है, यहां पे संवेग में अनिश्चितता। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने बताया कि जो अनिश्चितताएं आएंगी स्थिति और संवेग में किसी भी इलेक्ट्रॉन में, अगर हम स्थिति और पोजीशन को एक साथ मेजर करना चाहें तो उनमें जो अनिश्चितताएं आएंगी स्थिति और संवेग में, वो या तो एच अपॉन फोर पाई के इक्वल होगी, उसकी वैल्यू के इक्वल होगी, या फिर उसकी वैल्यू से अधिक होंगी। यह बात किसने कही, हाइजेनबर्ग ने कही। और एच अपॉन फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0.527 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। बात समझ में आ गई? इस वैल्यू से अगर इक्वल है या फिर अधिक है तो इसका मतलब क्या है, डेल एक्स और डेल पी में क्या है, अनिश्चितताएं हैं। क्या है, अनिश्चितताएं, अनसर्टेनिटी है, ऐसा हाइजेनबर्ग ने कहा। अब क्यों हुआ ऐसा, उसका रीजन भी हम पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स अपने काम की नहीं है, पर रीजन तो आना चाहिए। क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पिछली वीडियो में जो हमारे दे ब्रोगली भाई साहब थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक पार्टिकल नेचर का होता है, यानी कि कणीय प्रकृति का होता है, और माना जा रहा था दे ब्रोगली से पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर का होता है। परंतु दे ब्रोगली ने क्या कहा, नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सिर्फ पार्टिकल प्रकृति नहीं होती है, उसमें पार्टिकल नेचर के साथ साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। क्या, वेव नेचर भी होता है।
ये बात कही थी देव ब्रोगली ने। और ये जो वेव नेचर आया है इलेक्ट्रॉन में, इसी की वजह से ये सारा रायता फैला। ये जो अनिश्चितताएं आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है? इस वेव नेचर की वजह से। तो सोल्व करने का तरीका सर मिलाने कैसे मिलता? पहले क्या यूज किया जा रहा था? क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया जा रहा था। कैसे मिलता बेटा? वहां पर सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज किया जा रहा था। वहां पर जो पार्टिकल नेचर होता है किसी भी पार्टिकल जो नेचर होता है किसी भी मैटर का, सिर्फ उसको मद्देनजर रखते हुए जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है वो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होती है और मैक्रो पार्टिकल्स के रिजल्ट एक्यूरेटली वो निकाल पाती है। क्योंकि मैक्रो पार्टिकल्स में जो वेव नेचर होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो रिजल्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स में अच्छे से सही निकल के आता है। लेकिन मैक्रो माइक्रो जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। और इसी वजह से बाद में आती है क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो पार्टिकल्स और माइक्रो पार्टिकल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। दोनों के लिए क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। तो हम कहां थे? हम यहां पर थे कि सर रीजन क्या था, कारण क्या था। तो कारण को अपन पढ़ते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है इसी की वजह से सारी गड़बड़ी हो रही थी। अब वेव नेचर की वजह से सर हुआ क्या उसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन में ये वेव नेचर आने की वजह से क्या होता है कि स्थिति और पोजिशन में अनिश्चितताएं आ रही है, उसको समझना जरूरी है। मजा आएगा इसको ना ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान के चलते हमारे पास कोई एक वेव है, हमारे पास क्या ये कोई एक वेव है ना। और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह जो है गति करता है। अब किसी को पता ही नहीं है कि सर वेव क्या होती है, वेव कैसी दिखती है, हमने तो सर देखा ही नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जो ध्वनि होती है, ध्वनि किस प्रकार से गति करती है, कहीं तो देखा ही होगा, ऐसे वीडियो वगैरह में तो देखा ही होगा इस प्रकार से आप ध्वनि जो है वो गति करती है ना। वो जो साउंड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है आपने देखा होगा कई बार वीडियो वगैरह में, तो वही क्या होती है, एक वेव होती है। और इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल उसी प्रकार से जो है वो परमाणु में गति करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव के रूप में क्या करता है, गति करता है, ऐसा देव ब्रोगली ने बताया, ठीक है। अब ये जो वेव है, हर एक वेव की जो लैम्डा होती है वो फिक्स होती है, ये हम जानते हैं। ये अगर एक वेव है तो इस वेव की ये वाली जो लैम्डा है, वेवलेंथ है, वो एक होगी और ये वेवलेंथ भी क्या होगी, एक होगी। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेव की जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो फर्स्ट रीजन हम पढ़ने वाले हैं कि अगर इस वेव की लेमडा फिक्स है, यानी कि लेमडा अगर कांस्टेंट है, लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और फॉर्मूला क्या दिया था देव ब्रोगली ने, याद करो वो जो हमारा जब मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था, P इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा कांस्टेंट आ रहा है, लैम्डा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो क्या इस P में परिवर्तन आएगा? सर नहीं आएगा। H भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको भी अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू कर दिया तो P ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सर बात तो एकदम सही है, यानी कि वेवलेंथ में परिवर्तन नहीं होगा तो उसके संवेग में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब संवेग करेक्टली निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाएगा, बोलो एकदम सही है। यानी कि P भी क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, पहली बात। तो यहां पर जो संवेग है वो क्या हो गया, ये हमारा क्या है, संवेग। तो इस वाली कंडीशन में संवेग तो जो है वो फिक्स निकल के आएगा कि संवेग में कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है संवेग के अंदर, अगर ऐसी कंडीशन है किसी वेव में लैम्डा जो है फिक्स है तो। और दूसरी बात और होती है, हर एक वेव की जो है वो लैम्डा फिक्स होती है, अलग अलग नहीं होती है। भैया यहाँ की लैम्डा वन हो गई, यहाँ की लैम्डा टू हो गई, नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है, गलत हो जाएगा सब कुछ। समझ में आ गया? अगर वेव चेंज हो रही है तो हो सकता है लैम्डा चेंज हो जाए, लेकिन वेव वही है तो लैम्डा सेम ही रहेगी, ठीक है, इतना आपको याद करना। तो यहां पर क्या हो गया इस कंडीशन में, हमारा जो संवेग है वो तो हमने एग्जैक्ट निकाल लिया, किसके वजह से, इस लैम्डा की मदद से, ठीक है। अब सुनो, अब इसी के अंदर अपन देखने वाले इसी वेव में कि यहां पर हम सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्या
स्थिति में अनिश्चितता आएगी कि नहीं आएगी? स्थिति में तो भैया अनिश्चितता आएगी। कैसे आएंगी जरा समझो इस बात को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फिर मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि ये जो वेव है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो वेव है, ये वेव एक एग्जैक्टली किस पोजिशन पे, आप बता सकते हो किस प्लेस पे है? बता सकते हो आप किस प्लेस पे है ये वेव? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। आप क्या कहोगे सब, ये वेव जो है पूरे यूनिवर्स में है। यूनिवर्स का मतलब आपके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है, सराउंडिंग का जो एरिया है, उसमें सभी जगह पे। सर समझ में नहीं आया, ऐसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो इसको ऐसे समझना। मान के चलते हैं ये कोई इंसान है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसका मुंह इधर है, ठीक है। मैंने इधर राम को बैठा, इधर ये तो है राम, ये श्याम, ये और ये हो गया दाम, ये हो गया तरुण, जो भी है अरुण वरुण श्याम नील कंस जो भी है, ठीक है। अब ये चार लोग हैं, एक दो तीन और चार, इसका मुंह इधर है, समझ में आ गई। अब ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ से कोई साउंड निकाल रहा है। साउंड निकाल रहा है मतलब वो वेव के रूप में गति करेगी, ध्वनि जो निकाल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो सामने की तरफ बैठे ये चारों लोग थोड़ी दूरी पे बैठे हैं। अभी अगर बोलेगा तो क्या ये आवाज चारों को सुनाई देगी? चारों को क्या सुनाई देगी? सर सुनाई तो देगी, और ये जो साउंड है ये किस रूप में ट्रेवल कर रहा है? एक वेव के रूप में ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ना आप लोगों को पूछना है राम से और श्याम से, दाल से, दाम से और तरुण से, आपको पूछना है दाम से, बोलो साउंड कहां पर उपस्थित है? दाम क्या कहेगा? भैया साउंड तो यहां पे, मुझे तो साउंड सुनाई दिया। तरुण से पूछो, तरुण क्या कहेगा? भैया साउंड तो यहां पे है, मुझे तो साउंड सुनाई दिया यहां पे। श्याम क्या कहेगा? भैया आवाज तो मेरे को यहां पे भी मिली। राम क्या कहेगा? भैया आवाज तो मेरे को यहां पर भी मिली। यानी कि इस पूरी वेव में साउंड है कि नहीं है? बोलो बोलो, पाई के बाद नहीं आई, घुसी के नहीं घुसी भेजे के अंदर, सर एकदम मजा ही आ गया, अभी समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, ये जो वेव है, इस वेव में जो साउंड है, ये पूरी यूनिवर्स में, ये तो चारों तरफ है। अब आप इसके दाएं बाएं पीछे आगे पीछे जो भी है आप देख लो, चारों तरफ आवाज सुनाई देगी कि नहीं देगी? सर बात तो एकदम बिल्कुल पते की आपने बोल दी। कि अब अपने को अपन क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि साउंड यहां भी हो सकता है क्योंकि इसको सुनाई दे रहा है, साउंड यहां भी हो सकता है क्योंकि इसको सुनाई दे रहा है, साउंड यहां भी हो सकता है क्योंकि इसको सुनाई दे रहा है, साउंड यहां भी हो सकता है, इसका मतलब इसको यहां पे भी सुनाई दे रहा है। इसका मतलब अगर हम इस साउंड को इलेक्ट्रॉन मान ले तो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है। यानी कि इस पूरी वेव में इलेक्ट्रॉन जो है, वेव कौन बना रहा है? इलेक्ट्रॉन बना रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इस पूरी वेव में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। पर हम ये कन्फर्म नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजिशन नहीं बता सकते कि भैया इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे मिलेगा। क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को बेटा। हाँ चलिए, तो यहां से अपने को पता चलता है कि अगर हम संवेग को एकदम एक्यूरेटली मेजर करें तो हम उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को पता नहीं कर पाएंगे। यहां से अपने को संवेग तो मिल रहा है एक्यूरेटली, पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपने को नहीं मिल रही है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जहां पे अपन क्या करेंगे, इसकी स्थिति को, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो सुनो बात कैसे करेंगे। मान के चलते हैं कि अब हमने क्या किया, किसी भी वेव में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को मेजर करने के लिए अपने को जो है एक लोकलाइज वेव की जरूरत पड़ती है। लोकलाइज वेव कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है, यह है अपनी लोकलाइज वेव। अच्छा बनाते हैं, बढ़िया, ताकि फील आए, मजा आए। देखो लोकलाइज वेव कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे बेटा, मजा नहीं आया। ये कुछ ऐसी है, चलो मजा तो छोड़ो, जो भी है आपको तो समझना ही है ना। चलिए, ये क्या है, एक लोकलाइज वेव है। अब लोकलाइज वेव का मतलब क्या है, उसको भी जरा समझ लेते हैं।
ये जो लोकलाइज वेव है, ऐसी लोकलाइज वेव कैसे बनती है उसको समझना। जब हम दो या दो से अधिक वेवलेंथ यानी कि दो या दो से अधिक वेव्स को कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो अपने को कौन सी वेव मिलती है? ये वाली वेव मिलती है। जैसे कि मान के चलते हैं, सपोज ये कोई एक वेव है, बूम बूम बूम, ये एक वेव है, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि भैया अभी तो बहुत सारी वेव्स बनानी है ना अपने को, है ना, इसको भी रफ कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए अपने को। ये कोई एक लोकलाइज वेव है, ठीक है, ये कोई एक लोकलाइज वेव है बेटा। और ये वेव कैसे बनेगी? जब बहुत सारी वेव्स आपस में कंबाइन कर जाएगी, जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं ये कोई एक वेव है, ये कोई एक वेव है जिसकी लैम्डा 1 है, इसकी लैम्डा भी ये होगी, लैम्डा 1 होगी और ये भी लैम्डा 1 होगी, ये पूरी एक वेव है। अब दूसरी वेव बना रहे हैं, इस दूसरी वेव में मान के चलते हैं लैम्डा 2 है, यानी कि ये वाली लैम्डा वेव चेंज कब होगी? जब उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बोलो, इसकी लैम्डा ये है लैम्डा 2। और थर्ड तीसरी वेव मान के चलते अपन ये वाले ले लेते हैं, बूम बूम सकलाका बूम बूम सकलाका बूम बूम सकलाका बूम बूम, तो यहां पे देखो ये क्या है, लैम्डा 3 है। तो इन तीनों ही वेव्स को जब हम मिला देंगे तो अपने को कौन सी वेव मिल जाएगी? लोकलाइज्ड वेव मिल जाएगी। और इस लोकलाइज्ड वेव में एक बात को ध्यान रखना है, यहां पर ये जो सीधी रेखा नजर है ये तो कोई वेव ही नहीं है, यानी कि हमने इन सभी वेव को कंबाइन करके इस एक छोटे से प्लेस पे एकत्रित कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब जो मिलने वाला है सिर्फ इसी भाग में मिलने वाला है, इसी एरिया में मिलने वाला है, यानी कि इसकी स्थिति को हम बता सकते हैं कि इस छोटे से भाग में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, बोलो ना बेटा। हाँ सर, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति को तो एक्यूरेटली बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर मौजूद होना चाहिए और यहीं पे होगा, परंतु क्या संवेग एक्यूरेटली करेक्टली मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैसे? यहां से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ। लैम्डा 1 यानी कि लैम्डा 1 जो है, लैम्डा क्या है? P is equal to h upon lambda। अगर ये 1 है तो P1 होगा, 2 है तो P2 होगा, 3 है तो P3 होगा। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है, वो कांस्टेंट नहीं है, परिवर्तनशील है। इस वाली वेव के लिए संवेग P1 होगा, इस वाली वेवलेंथ के लिए P2 होगा वेव के लिए, और इस वाली वेव के लिए संवेग P3 होगा। तो क्या इन तीनों ही वेव्स में संवेग एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। सर, तीनों का जो संवेग है वो तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इसके संवेग में अनिश्चितता मिली कि नहीं मिली? अगर इन तीनों का ही अगर वेवलेंथ एक जैसा होता तो क्या होता? संवेग फिक्स हो जाता, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ है तो वेव भी अलग अलग है, इसका मतलब संवेग अलग अलग होगा, संवेग में अनिश्चितता आएगी। यानी अगर यहाँ पे स्थिति को अगर अपन मेजर कर पा रहे हैं एक्यूरेटली, तो इसका जो संवेग है उसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे। तो रीजंस आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, यही है इसके जो मेन रीजंस है कि स्थिति और पोजिशन में अनिश्चितता क्यों आ रही है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्थिति को और पोजिशन को हम करेक्टली एक साथ मेजर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें वेव नेचर आ रहा है जिसकी वजह से ये सारा सब जो रायता फैला है ये क्लासिकल मैकेनिक्स को भी फेल करता जा रहा है। और इसी वजह से जब क्लासिकल मैकेनिक्स इन सभी बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही है, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी संवेग स्थिति को बता पाने में असक्षम हो रही है, तो फिर कौन आएगा? क्वांटम मैकेनिक्स आएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रो पार्टिकल्स और मैक्रो पार्टिकल्स दोनों की प्रॉपर्टीज को अच्छे से वेल एक्सप्लेन करने में सक्षम है पूर्णतया। बात समझ में आ रही? तो यहां पर जो हाइजेनबर्ग ने जो इक्वेशंस दी है उन इक्वेशंस का कुछ मॉडिफिकेशन अपन यहां पे लिख लेते हैं, जो कि आपके काम में आएगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वो आपके काम में आने योग्य है। जैसे कि जो इसका मेन इक्वेशन क्या है, वो डेल एक्स डॉट डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, यही है।
जो डेल पी है, पी इज इक्वल टू क्या है, मोमेंटम। अगर डेल पी निकाले तो एम डेल वी, इस एम डेल वी को डेल पी के प्लेस पे रख दो, क्या निकल के आ जाएगा, डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। एम को नीचे भेज दो तो डेल एक्स डॉट एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई एम। इस फॉर्मूले को भी आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को भी याद कर लेना, कैसे आया, कहाँ से आया, ज्यादा दिमाग नहीं लगा लेना, सिर्फ रट लेना है, याद करने ला है, कर लेना है, ठीक है। आपको क्या कर लेना बेटा, याद कर लेना है, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। इस फॉर्मूले को भी याद कर लो। एक और फॉर्मूला है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच वी अपॉन फोर पाई। इसको भी बेटा याद कर लो, फटाफट से इनको नोट कर लो। चलिए और एक और फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लेमडा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर पाई। इस वाले को भी याद कर लो। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, पांच फॉर्मूले बन गए इसके। पहला फॉर्मूला ये वाला है, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन पांचों फॉर्मूले को याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स में आपके काफी ज्यादा ये फॉर्मूले जो हेल्पफुल रहेंगे। तो होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप हम क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन को भी देखेंगे, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।